प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम क्या कहूँ तुझे सनम। जय दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल यू सेंटर में। हम लोग इस वीडियो में ऐसे ट्रिक देखने वाले हैं जो पूर्णांक वाले जोर को मात्र क्षण भर में धजिया उड़ा सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, चलिए हम लोग बिना देर किए ट्रिक पे चलते हैं और लंबे से लंबे क्वेश्चन को मात्र चुटकी बजाते हैं सोल्व करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं और सीखते हैं कि ये ट्रिक को कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर, चलिए सोल्व करते हैं इसको। इसको इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णांक दुपट्टा। देखिए हो गया इसका आंसर, देखिए कितनी फास्ट सोल्व हो रहा है। इसको अब सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हो गया इसका भी आंसर। अब इसको सोल्व करते हैं, हो गया इसका भी आंसर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए चार क्वेश्चन को मात्र सोल्व करने में हमको लगता है कि एक मिनट से भी कम का समय लगा हो। हाँ भाई साहब, ये जो ढक्कन है ना टपक रहा है, क्वेश्चन भी ऐसे टपकेंगे आपके एग्जाम में। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सीख लेते हैं। अरे बाप रे, ऐसा ट्रिक। हाँ जी हाँ, मैं आपके लिए, मैं विकास वाला नहीं, आपके लिए एक नए ट्रिक की खोज करके लाता हूँ। आपके लिए एक नए ट्रिक लाता हूँ ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग सामान सीखने को मिले। देखिए इतने लंबे क्वेश्चन को मात्र सोल्व करने में एक मिनट से भी, चार क्वेश्चन को सोल्व करने में एक मिनट से भी कम का समय लगता है। हालांकि आप नॉर्मल मेथड से भी इसको पूर्णांक तोड़िएगा, सोल्व कर लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन में मिनिमम 5 मिनट टाइम तो लग ही जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्पीड से दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक है। अब इसी ट्रिक के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बाटा बल के पूर्णांक वाले जोर को आप इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने में जो पूर्णांक वाला है इसको जोड़ देना है, 6 6 12 6 18 6 24। तो 24 लिख दिए यहाँ पे, प्लस डाल दी, इनटू डाल दीजिए उसके बाद। और देखिए क्या करना, 3 3 सब में नीचे है तो ये इजीली आराम से आहिस्ते आहिस्ते बन जाएगा, तो इसका 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 है जब लघुतम से, मैं तो ऊपर वाला अंक सेम डिजिट है पूरा जुट जाएगा, नीचे वाला एलसीएम अगर लघुतम सेम आता सेम रहता है तो डायरेक्ट सभी अंकों को आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दिए 2 4 6 8, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यानी इसको लिख सकते हैं 24.8/3। यही तो आंसर यहां था फ्रेंड्स। देखिए आप भी जब 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे 6.2/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व, पहले 3 3 है तो 3 को जोड़ देना है, तो 6+ लिख दे, इनटू डाल दीजिएगा। उसके बाद 4 4 का लघुतम तो 4 ही ना होगा, जी 4 ही ना होगा, तो 4 लिख दिए। और एगो एगो कितना होता है? 2, तो 2 लिख दिए। यानी जब इसको पूर्णांक 6.2/4, जी यही ना लिखा है, देखिए तो हो गया ना आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फंसिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन फंसाने के लिए मैंने दिया है आपको। ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों तो कहिएगा कि सब में लघुतम सेम सब है, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग, अब अलग आ जाएगा तो कैसे कीजिएगा आप। देखिए और 2 4, पहले तो इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 कितना होता है? तो 4, तो 4 लिख दीजिए, प्लस इंटू डाल दीजिए। 2 2 का 2 4 का लघुतम 4, तो 3 का तो 3 ही हो जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा दोबारा में 2 के बाद 2 बार, 2 2 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यानी अब इसको लिख देंगे 4+ पूर्णांक 5/4
चार। यहाँ पे क्या करना है, जब अंश का मान अगर 12 आ जाए ना पूर्णांक में, ये पूर्णांक में है, अंश का मान 12 आ जाए तो उसको छोटा बनाना है। नोट कीजिएगा, ये नोट आपको बार बार काम आएगा, नोट कीजिएगा ध्यान से और शांतिपूर्वक नोट कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ नहीं पाइएगा। नोट कीजिएगा, नोट क्या है, अगर अगर पूर्णांक में, अगर पूर्णांक में अंश का मान, अंश का मान 12 आए तो, आए तो उसे उसे छोटा, उसे छोटा बनाते हैं, उसे छोटा बनाते हैं, यानी छोट के ऐसे करेंगे। देखिएगा, तो पूर्णांक बदलिए तो चार का चार रहेगा। अब इसको लिख देते हैं, चार एकम चार, तो यानी चार पूर्णांक एक बटा चार, एक पूर्णांक एक बटा का चार, यानी चार एकम चार, एक पांच बटा चार हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, नजदीक वाले दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक है और चार है, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, पांच पूर्णांक एक बटा चार, पांच पूर्णांक एक बटा चार। अब सॉरी, यहाँ पे दो पांच पूर्णांक एक बटा चार हो जाएगा, तो यहाँ पे लघुतम भी तो चार आ गया, यहाँ पे चार कर लीजिएगा तो चार, तो पांच पूर्णांक एक बटा चार, पांच पूर्णांक एक बटा चार। एक बार और समझिएगा, देखिए पहले दो दो है तो दो दो, दो और दो कितना होता है चार, तो चार लिख दिए, दो और दो कितना होता है चार, तो चार लिख दिए। उसके बाद क्या किया है, दो और चार का लघुतम तो चार आया, तो तीन का तीन प्लस दो एकम दो, तीन दो पांच, पूर्णांक का पूर्णांक में अंश का मान 12 आ जाए तो छोटा बना दिए हैं, तो चार एक पांच पूर्णांक एक बटा चार। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिएगा, फोर नंबर क्वेश्चन को जोड़िए इसको, पहले दो दो चार, दो छ दो आठ, तो आठ यहाँ लिख दिए, आठ लिख दिए। अब उसके बाद देखिए पूर्ण सबका लघुतम सेम है, तो यहाँ पे लघुतम दो आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, एक एक दो, एक तीन और एक चार, चार बट्टा का दो यहाँ पे कटने वाला है, तो दो एकम दो, दो दूना चार, यानी आठ प्लस दो दस हो गया ना आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपको प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को एक लाइक कर दिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।